भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स मुश्किलों में फंस गई हैं। उनके पिता इवान रोड्रिग्स पर लोगों का धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। इवान पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीकों से ब्रदर मैनुअल मिनिस्ट्री के बैनर तले खार जिमखाना का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के लिए किया है। इसके बाद जेमिमा को दी गई क्लब की मानद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस बीच खुद जेमिमा का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में युवा जेमिमा को अपनी क्रिकेटिंग उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। इसमें वह अपनी एक पारी का जिक्र कर रही हैं, जिसमें उन्होंने 37 गेंद पर 25 रन बनाए थे। इसके बाद व्यक्ति उनके पास आकर कुछ मंत्र बोलता है और जेमिमा जमीन पर गिर जाती हैं। यह वीडियो जेमिमा के युवा क्रिकेटिंग करियर के दौरान का है। क्लब के नियमों के अनुसार इसका इस्तेमाल संगीत, नृत्य और बड़ी स्क्रीन के लिए ही किया जा सकता है। क्लब के नियमों के मुताबिक यहां किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियां नहीं की जा सकती। जेमिमा भारतीय महिला टीम की नियमित सदस्य हैं। वह पहली महिला क्रिकेटर हैं, जिन्हें इस क्लब की सदस्यता दी गई। बीते साल मार्च में उन्हें यह सदस्यता सौंपी गई थी। दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने भारत के लिए 30 वनडे और 104 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फॉर मोर क्रिकेट अपडेट्स फॉलो क्रिकेट कंट्री।